श्योर है। जैसे ही हम मुंबई शिफ्ट होंगे मैं एडी और मलिष्का की एंगेजमेंट करना चाहती हूँ। आई रिपीट, एडी और मलिष्का की एंगेजमेंट। इज दैट क्लियर? श्योर है? कोई प्रॉब्लम नहीं दी? कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमने मैट्रन और मैनेजर को इन्फॉर्म कर दिया है? नहीं दी, लेकिन मैं अभी कर देता हूँ। जल्दी करो शौर्य, मैं कल ही शिफ्ट होना चाहती हूँ। जब एडी का एक्सीडेंट हुआ था तब मैं एडी और मलिष्का के घर आने के लिए उस घर को सजा रही थी। आज मैं खुश हूँ कि मेरा वो सपना पूरा होने वाला है। लेकिन इस बार ये घर सजेगा एडी और मलिष्का की एंगेजमेंट के लिए। मलिष्का, तुम खुश हो ना? शौर्य, फोन करना मत भूलना। यश, अंकिता, उपमा क्या मंदिरा ने बनाया है खास करके तुम दोनों के लिए? यहाँ सब कुछ तो है लेकिन आई हमारी खीर कहाँ है? अंकिता, राधा के बगैर कभी इस घर में खीर बनी है? मेघना, नाश्ता नहीं करोगी? डार्लिंग बाय, मैं लेट हो रही हूँ। अरे मेघना, वो आजकल बिजनेस में तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा चलने लगा है। तो डार्लिंग, ये तुम्हारे लिए एक सरप्राइज था और बाकी सबके लिए भी मेरे पास एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या है? अरे बताओ ना, क्या सरप्राइज है? क्या है, क्या है? ओफो, अभी नहीं, आकर बताऊंगी। सब के सब देखते ही रह जाएंगे। मेरा इंतजार करना, ओके? अरे मेघना, वो क्या है ना, तुमने वो जो शेयर्स में इन्वेस्ट करने का आइडिया दिया था ना, वो तो कमाल का था। थैंक यू सो मच। चलो, आखिर तुम्हें मेरी कदर तो हुई। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था कि आजकल तुम्हारा दिमाग भी ना मेरी बराबरी में चलने लगा है। यू नो, बराबरी में। ओके बाय। अविनाश, क्या बात है, आप स्ट्रेस्ड लग रहे हैं।
नहीं तो हाँ, बड़ी देर से कुछ सोच रहा है और कहता है कुछ नहीं। नहीं अविनाश, सब कुछ ठीक है ना? हो आई, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कैसी? वो बस काम जरा बढ़ गया है ना। क्या है, यूनिट्स भी डबल हो गई हैं, 4 से 8 हो गई हैं। और फिर मैंने अब इससे पहले कभी इतना काम किया नहीं ना, इसीलिए। अविनाश, अगर आप चाहें तो मैं ऑफिस आ सकती हूँ आपकी हेल्प के लिए। अरे नहीं नहीं, फिर घर का काम कौन करेगा? घर की चिंता मत करो अविनाश, हम सब है ना संभाल लेंगे। और वैसे भी तुम दोनों को एक साथ कुछ वक्त गुजारने का मौका मिल जाएगा। अविनाश, अगर आप कहें तो मैं आज से ही ज्वाइन कर लूं। नहीं, आपको शायद अच्छा नहीं लगा मैंने ऑफिस जाने के लिए। अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं क्या कह रहा था कि आज संडे है ना, तो आज कैसे ज्वाइन करोगी? अब तुम एक काम करो, तुम कल से ज्वाइन कर लेना। हाँ लेकिन हम आज का संडे क्यों वेस्ट करें? चलिए कहीं पिकनिक पे चलते हैं। वो अभी पिकनिक जाने का आइडिया बेस्ट है। हम लोग काट करौली चलते हैं म्यूजिकल ड्रामा देखने। यश, हमें पिकनिक पर जाना है, बोर होने नहीं। भाभी, हम सब किसी गार्डन जाते हैं पिकनिक पे। हाँ, नहीं, नहीं, गार्डन सही रहेगा। मंदिरा, किसी गार्डन में जाके खुली हवा में चने उछाल कर खाने में मजा ही कुछ और है, नहीं? राधा, इस तरह तुम घर छोड़कर क्यों जा? क्या समझते आप अपने आप को? क्या समझते आप, जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। सॉरी मिस्टर शौर्य, अब मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन राधा, मैंने तुम्हें कहीं जाने के लिए कहाँ कहा है? आप तो मुझे यहाँ मना नहीं आए हैं ना, क्या करूँ मैं? मैं आपके साथ मुंबई आऊँ, एडी सर के साथ एंगेजमेंट करूँ, जबकि आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि एडी सर के लिए मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं जानता हूँ राधा कि तुम्हारी जिंदगी में फैसले लेने वाला मैं कोई नहीं हूँ, और ना मैं तुमसे कहूँगा याडी के साथ एंगेजमेंट का नाटक करो। तुमने तो जो शेरगिल परिवार के लिए करना था उससे बहुत ज्यादा किया है राधा। लेकिन अब मुझसे नहीं होता, मैं अपने परिवार को छोड़कर मुंबई नहीं आ सकती। पहले भी मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पहले मैं काफी वक्त से अपने परिवार का प्यार, अपने परिवार का साथ सब कुछ गंवा चुकी हूं। नहीं, अब मैं मेरे परिवार को छोड़कर मुंबई नहीं आऊंगी। सुना आपने, मैं नहीं आऊंगी। मैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारे फैसले को समझता हूं राधा, और मैं तुम्हें अपना फैसला बदलने के लिए फोर्स भी नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस वक्त मेरे परिवार को, दी को और मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। जी प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से इस घर को छोड़ने का फैसला किया है। आप दी को सारी सच्चाई क्यों नहीं बता देते? क्योंकि मैं अपनी दी को खोना नहीं चाहता।
पहले भी दी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सच्चाई बर्दाश्त कर सके, और ना ही आज है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो शर्मिंदगी तुमने इतने वक्त से आईडी की फियांसे बनकर सही है, वो मुंबई जाकर ज्यादा वक्त तक सहन नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब मुझमें हिम्मत नहीं है, मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने परिवार से दूर जाने की बात कर सकूं, और ना ही दी जैसे उनमें कोई हिम्मत है कि वो मुझे अपने परिवार से दूर जाते हुए देख सके। मैं उन्हें समझाऊंगा राधा, इस गुजरे हुए वक्त में मेरे मन में तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए इतनी इज्जत बढ़ गई है कि उन्हें समझाने के लिए मुझसे बनती हर कोशिश करूंगा कि वो तुम्हें एडी के साथ नर्स बन के मुंबई जाने दें, और इस बात की तसल्ली देता हूं कि मैं तुम्हारी गरिमा, तुम्हारी मर्यादा को समझ गया। मैं तुम्हारी एंगेजमेंट एडी के साथ कभी नहीं होने दूंगा। ये शौर्य शेरगिल का वादा है तुमसे। चाचू अभी ठीक हो? ऑफ कोर्स। एडी तुम बिल्कुल ठीक हो, वैसे भी तुम्हें कमरे में अकेला नहीं बैठना चाहिए, बोर हो जाओगे। इनफैक्ट तुम्हें चलना फिरना चाहिए और तुम्हें डांस करना चाहिए। व्हाट से गर्ल्स? नॉट अ बैड आइडिया। यस। ऑलराइट देन, लेट्स हैव सम म्यूजिक। बंद करो ये नाच गाना। कल के लिए भी तो कुछ छोड़ो। कल हम अपने घर जा रहे हैं, मुंबई में। What? सच बुआ? Wow! This is great news, बुआ। संगमित्री जी, दी, दी। क्या मैं भी जा रहा हूं? हाँ एडी, हम तुम्हारे लिए ही इस घर में आए थे और अब तुम्हारे लिए ही अपने घर जा रहे हैं। चलोगे ना अपने घर हमारे साथ?
जरूर चलूंगा। मलिष्का, तुम्हारे हाथों से आदि की सारी प्रॉपर्टी निकल जा रही है, बहुत दूर जा रही है, और तुम उन लोगों में से नहीं हो जो अपने हाथ में आई हुई चीज को ऐसे ही जानते हैं। इसलिए इससे पहले कि एडी और उसके घर वाले यहां से हमेशा के लिए मुंबई में शिफ्ट हो जाए, तुम्हें अपना काम खत्म करना पड़ेगा। पर ये बात तो मैं भी नहीं जानती कि मेरा अगला कदम क्या होगा। इस ब्लैंक पेपर को इस स्टैंप पेपर के ऊपर रख दो और फिर यहां पर आदि की सिग्नेचर, फिर जो चाहे वो अपने नाम कर लूंगी।